सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग? अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, घबराना, यहाँ हो जाता है लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। एक बार देख, आज हम कुछ टाइम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो छोटा चैप्टर है लेकिन बड़े सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक और रीजन है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आप चैप्टर सेकेंड 11th में पढ़ते हैं, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में बहुत सारे माइक्रोब्स का जिक्र है और उन सारे के सारे माइक्रोब्स के बारे में उस चैप्टर में हम नहीं पढ़ पाते। यानी कि इनफैक्ट क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस चैप्टर में। आज आपको कई सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। इसके साथ साथ सेशन के आखिरी में हम एक क्विज करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम क्विज हमेशा करते हैं। आज की क्विज में मैं पूरे के पूरे जेनेटिक्स यूनिट यानी कि 3 चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैम ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे ही वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उस पर भी क्वेश्चन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज हम बात करेंगे घरेलू माइक्रोब्स के बारे में, जो हमारे घरों में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे लिए बड़े काम के होते हैं, तो उन माइक्रोब्स के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का। राजिया ने ज्वाइन कर लिया है, श्रेष्ठा, फातिमा, अश्विनी, प्रगति, प्रियांश, कोमल, रिमी, हूर फातिमा, इसके अलावा गरिमा ने ज्वाइन किया है, सिल्की, जेबा, नंदन, प्रियंका, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए सेशन को शुरू कर दिया जाए, अब और विलंब नहीं, शुरू करते हैं अपने सेशन। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, और ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है, वैसे दो दो अवार्ड भी मिल चुके हैं मुझे अनअकैडमी की तरफ से, और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं, आपका फीडबैक इतना अच्छा होता है, सो आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फॉर ऑल दीज अवार्ड्स, राइट। इनफैक्ट एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके स्टूडेंट्स का एप्रिसिएशन, जो कि आपका लव, सपोर्ट, एप्रिसिएशन बहुत अधिक है मेरे लिए। आई एम सो लकी। चलिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं अब अपने टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो, एक बार ऐप को इंस्टॉल कर लिया, देन गो टू द ब्राउजर, गूगल पर जाइए, ब्राउजर पर जाइए एंड livedaily.me/chat, इसको जैसे ही आप टाइप करते हैं आप तुरंत के तुरंत इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने लगते हैं। एक सेकंड का वक्त दीजिए, तो कई बार क्या होता है ना कि टूल्स को कनेक्ट भी करना जरूरी होता है। ये लो जी कनेक्ट कर लिया, हाँ अब चल रहा है सही। सो टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करना काफी आवश्यक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आपको मिलते हैं सारे के सारे अपडेट्स। ठीक है, सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते रहते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, सेशन से रिलेटेड जो भी है। विवेक, आरती, श्रेयांश, देखो मैंने थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज कर दी, आपके चैट अब बीच बीच में देखने को मिला करेंगे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल की मैपिंग भी कर लेता हूं ताकि आपको जब क्वेश्चन कराएं तो दिक्कत ना हो, क्वेश्चन यहां पर विजिबल हो। ठीक है, एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/neet, ये वो बेहतरीन फीचर है जिसके थ्रू आपको हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर एट ए प्लेस देखने को मिल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के सारे लेक्चर्स आप एट ए प्लेस, प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पर जो अवेलेबल है वो सब आप देख सकते हैं इस फीचर के थ्रू। Unacademy सब्सक्रिप्शन, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये मैं नहीं आप कहते हैं,
और मैं तो कहता ही हूं, सीधी सी बात है, अनअकैडमी जैसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे जिस मायने में इसको कंपेयर कर लें, आपके कंपैरिजन से भी कहीं ज्यादा बेहतर बैठता है ये। यानी कि एक किसी भी संस्थान के साथ या किसी इंस्टीट्यूट के साथ या नीट की तैयारी में आपको जो जो चीजों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा यहां पर मिलता है। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस है कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। नीट 2020 में आप लोगों ने देख लिया कि हमारे जो प्रेडिक्शंस थे उसी के आधार पर क्वेश्चंस आए हैं, वो चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी एजुकेटर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेंगे, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कैसे आपको गाइड करना है। तो इस पे जुड़िए, यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल, लीडरबोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर आपको मिलते हैं। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को और उम्दा करें। प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए और जो नीट 2021 स्टूडेंट है इनके लिए मैंने आफ्टरनून में 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक सेशन ऑलरेडी प्लस पर चल रहा है, कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स, जिसमें मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सारा कुछ करा रहा हूं। आप जुड़ सकते हैं उस बैच के साथ, एक एक सेशन ही हुआ है कंप्लीट। मेरी प्रोफाइल में जाकर के व्यू करें, आपको दिख जाएंगे कोर्सेस। ठीक है तो बच्चों करना क्या है इसके लिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, प्लस सिलेक्ट कर लीजिए, नीट यूजी प्लस, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और ये विंडो आ जाएगी। यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, और आप कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, यूज करिए कोड प्रदीप लाइफ। जिस तरह से किसी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए बच्चों आपको सर्जन की पूरी टीम की आवश्यकता होती है, इसी तरह से नीट को क्लियर करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए हमारी पूरी टीम की आवश्यकता है। तो आप यूज करिए कोड प्रदीप लाइफ, हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तैयारी को उम्दा करिए। प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यूज करिए कोड प्रदीप लाइफ, मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, सैटरडे, यानी कि आज थर्सडे है, कल है फ्राइडे, परसों सैटरडे, सैटरडे 3 बजे एक सेशन लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के समक्ष, अनोखा एक सर्जरी के ऊपर बेस्ड सेशन है, एंड दैट सेशन विल बी एन आई ओपनर फॉर ईच वन ऑफ यू। दांत को किस तरह से आंख में लगा दिया जाए और अंधों की दृष्टि लौट आए, इस तरह की ट्रीटमेंट पद्धतियां आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर आज नहीं सैटरडे को हम चर्चा करें, आप सब जरूर आइएगा। All right, so microbes in human health welfare और household microbes के बारे में जानकारी लेंगे आज। स्वागत है बच्चों आप सभी का, and thank you each one of you for all your love, support, hearts, रागिनी, वर्षा और कुछ अलंकृत नाम भी लेकर के आए हैं कुछ बच्चे, so that's very good। संजीत, राजिया, संभाजी, क्या बात है, शिवांशु, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू कर दें सेशन को, और अब आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स के बारे में। वैसे तो जो कुछ भी हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई दे वही माइक्रोब कहलाता है, जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्लांट किंगडम के भी मेंबर हो सकते हैं, वो फंजाई के भी मेंबर हो सकते हैं, वो मोनेरा के भी मेंबर हो सकते हैं, वो प्रोटिस्टन्स भी हो सकते हैं, या यूं कहें कि आप यहां पर देख लीजिए किस तरह से मिटाया जा रहा है इन माइक्रोब्स को, एक डिसइंफेक्टेड क्लॉथ से कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड लेके वाइप आउट किया जा रहा है, ये क्लीन होते हैं लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस आ जाते हैं। मूवमेंट भी इनके अनोखे देखने को मिलते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रोब अपने आप में बड़े अनोखे होते हैं। प्लांट किंगडम के भी मेंबर्स हैं, फंजाई के भी मेंबर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो बहुत ज्यादा, बहुत छोटे तो नहीं होते लेकिन हाँ फिर भी क्लैरिटी के साथ हमें नहीं दिखाई देते, तो वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। यानी कि माइक्रोब्स की जब हम चर्चा करते हैं तो बच्चों हम बड़े सूक्ष्म जगत की तरफ पहुंच जाते हैं, ऐसी चीज जो बहुत बृहद नहीं है, छोटे में छोटा। यानी कि अगर आप नेचर को काफी लाइक करते हैं आप सब, तो एक चीज आप जरूर शेयर करेंगे मेरे साथ, इस बात के ऊपर जरूर आप लोग सहमत होंगे कि नेचर इज वेरी यूनिक, और नेचर में हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उसमें बड़े से बड़ा भी देखने को मिलता है और छोटे से छोटा भी देखने को मिलता है। सो नेचर इज रियली यूनिक, है बात कि नहीं? तो उसी यूनिक नेचर के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं और उन्हीं माइक्रोब्स के बारे में जानने जा रहे हैं।
माइक्रोब्स कहां कहां पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहां नहीं है, ये है क्वेश्चन। कहां है ये कहना बेकार है, कहां नहीं है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आई, दे कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, इन्हीं को कहते हैं माइक्रोब्स। एंड दीज माइक्रोब्स, रिमेंबर बच्चों, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर। They are present in our kitchen, they are present in our toilet, they are present in our cloth, they are present in our bodies, they are present in our surrounding, they are present in that suspended dust particle, they are present in the fomites. कोई patient है जिसको bacterial infection है, अगर वो किसी उसके जो भी जरूरत की चीजें हैं, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, towel हो गया, इन सब में microbes की भरमार है। Microbes are present everywhere. ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर माइक्रोब नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर माइक्रोब्स हैं। लेकिन ध्यान रहे, सारे माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उसी तरह से सारे माइक्रोब हमारे लिए फायदेमंद भी नहीं है। तो हमें इनका डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए कि कौन सा माइक्रोब हमारे काम का है और कौन सा माइक्रोब हमारे लिए बेकार है। तो ये चीज समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। नाउ They form the major component of many biological processes and system. काफी सारे biological processes जो दूसरे जीवों के bodies के अंदर भी चल रहे होते हैं, उनमें भी बड़ा important role ये play करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक example देता हूं, ruminant animal, cows हो गए, buffaloes हो गए, इनके stomach में चार chamber होते हैं। उन चार chamber में fermentation chamber होता है, सबसे बड़े chamber rumen में। उस rumen में आप सोचिए, अगर microbes ना हो तो इनका खाना ही हजम ना हो, तो अब आप सोच लीजिए इनका सर्वाइवल, मेयर सर्वाइवल डिपेंड करता है माइक्रोब्स की मौजूदगी के ऊपर। यानी कि माइक्रोब्स हैं तो इनकी सर्वाइवेबिलिटी है, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। समझ में आई बात। इसके अलावा हमारे बॉडी के सिस्टम में भी कई जगह माइक्रोब्स का अहम रोल है। एक तो खाने में भी, हमारे फूड प्रोडक्ट में भी माइक्रोब का बहुत बड़ा रोल है। खाने को बनाने में, कुछ एक स्पेशल टाइप के खाने बनाने में भी माइक्रोबियल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, और खाने को स्पॉइल करने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट एक माइक्रोब तो आप जानते ही, हमारे गट में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया रहता है जो विटामिन B12 की सिंथेसिस में मदद करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। इसी तरह अनगिनत प्रजाति के बैक्टीरिया जिनको बेनिफिशियल माइक्रोब्स बोलते हैं, हमारे गट में होते हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी आते हैं जिनमें हम जानबूझकर माइक्रोब्स को अपने बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो हमें फायदा दे, इम्यूनिटी बिल्ड करें। आगे बढ़ने से पहले माइक्रोब्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत मैं आपको बता देता हूं। एक जैसे माइक्रोब वो अपने जैसे ही माइक्रोब को ग्रो कराते हैं, दूसरे माइक्रोब्स को वो किल करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे गट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब हैं, तो हार्मफुल माइक्रोब को वो अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। इसका मतलब है बेनिफिशियल माइक्रोब को कल्चर करना चाहिए, हमें अपने पास रखना चाहिए। आपको एक चीज जानकर के हैरानी होगी कि जितना आप इक्वेटर के नजदीक जाते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी धरती पर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मसलन हम बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में माइक्रोब्स ज्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि इनकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है। और साउथ इंडियन लोग कौन सा खाना खाते हैं ये भी आप जानते हैं, फर्मेंटेड फूड खाते हैं। क्यों खाते हैं फर्मेंटेड फूड? क्योंकि फर्मेंटेड फूड खाने से जो माइक्रोब उन फूड प्रोसेसिंग में हैं, उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन कर रखा है, उनका बेनिफिट हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, दही बड़ा फायदेमंद होता है। क्यों होता है, उसके भी लॉजिक्स हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोब, तो माइक्रोब में कौन कौन से आते हैं, मैंने तो आपको बताया, वो सारे जीव जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया सर्वप्रथम, प्रोटोजोआ शुमार है माइक्रोब्स में, फंजाई मैंने आपको बताया, फंजाई मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। मशरूम अगर आप फंजाई समझते हैं तो ये तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक मशरूम को बनाने के पीछे जो फंगल हाइफे का नेटवर्क है वो कितना ज्यादा गुना, 100 गुना से भी अधिक हो सकता है। यानी कि 100 गुना अगर हाइफे है तब जाकर के ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अख्तियार करने के लिए, बैसिडियोमाइसिटिस में। फंजाई के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ले ली है, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है फंजाई के बारे में, ठीक है। देन कम्स वायरसेस, जिन वायरसेस ने आजकल हमें लॉकडाउन कर दिया है, जीना दुभर कर रखा है। देन कम्स वायरॉइड्स, देन कम्स प्रियॉन्स,
है ना। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो हमें या तो बीमार कर सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से हमें इफेक्ट कर सकते हैं, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस चैप्टर में हम हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में जानकारी नहीं लेने जा रहे हैं, हम सिर्फ बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं इस चैप्टर में। बेनिफिशियल माइक्रोब यानी कि वो माइक्रोब जो डायरेक्टली हमें फायदा देते हैं या हम उनसे फायदा निकालने के तरीके बना सकते हैं, ईजाद कर सकते हैं, तो उन माइक्रोब्स के बारे में चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑकरेंस ऑफ माइक्रोब एक बार देख लेते हैं, कहां कहां पर पाए जाएंगे। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार बताना आवश्यक होता है तभी आपको दोबारा से चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिथोस्फियर, यानी कि सॉयल में पाए जाते हैं, माइक्रोब्स विल बी फाउंड इन द सॉयल। मिट्टी में माइक्रोब्स भरे पड़े हैं, वाटर में माइक्रोब्स भरे पड़े हैं, एयर में माइक्रोब्स भरे पड़े हैं, एंड इनसाइड द लिविंग बॉडीज, यानी कि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर आपको माइक्रोब के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन चाहिए दूरबीन, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। दूरबीन तो हो गया कि भाई दूरदर्शी यंत्र, हालांकि सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का फेनोमेना एक ही है, मैग्निफिकेशन ही तो होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता है, जिनसे हम मैग्निफाई कर सकें इन ऑर्गेनिज्म को और देख सकें। इनमें से सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं सॉइल में, उसके बाद होते हैं वाटर में, उसके बाद होते हैं एयर में, और इनसाइड लिविंग बॉडीज के अंदर तो स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं, हर बॉडी के अंदर एक जैसा माइक्रोब नहीं है। जब माइक्रोब्स का कल्चर करना होता है, माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की बारी आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चाहे सॉइल सैंपल लें चाहे वाटर सैंपल लें। एक थोड़ी सी बात आपको बता करके आगे बढ़ता हूं, अगर एक चुटकी भर मिट्टी लेते हैं, एक चुटकी में जितनी मिनिमम मिट्टी आती है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी में घोल लें, घोलने के बाद उसको डाइल्यूट करें कई बार, कम से कम 10 बार डाइल्यूट कर लें, उसके बाद अगर उस ड्रॉप ऑफ वाटर को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब भी आपको लाखों माइक्रोब दिखाई दे जाएंगे। आफ्टर सो मच ऑफ डाइल्यूशन यू कैन अंडरस्टैंड कि माइक्रोब्स को देखना कितना टेढ़ा काम है और कितने ज्यादा क्वांटिटी में माइक्रोब्स होते हैं। सो मच ऑफ क्वांटिटी में माइक्रोब्स देखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और माइक्रोब्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हुए चलते हैं। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स के रोल के बारे में हम सदियों से जानते हैं, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, सदियों से इंसान को पता है इसके बारे में। सो वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स, तो इंसान और माइक्रोब के बीच में बड़ा गहरा नाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एक तरह का माइक्रोब्स की ग्रोथ का प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस ज्यादातर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो एनेरोबिक कंडीशन को ही कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये माइक्रोब एनेरोबिक कंडीशन में कुछ फूड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन, ह्यूमन रेस ने जो डिस्कवर किया उनमें सबसे पुराना है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, हमारा एक बड़ा गहरा नाता है माइक्रोब्स के साथ, फर्मेंटेशन प्रोसेस बड़े काम में आता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप सिर्फ ये ना समझे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही होता है या अल्कोहल बनाने के ही काम में आता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम बहुत तरह के कामों में इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में हम समझ लेते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी, कौन कौन से प्रोडक्ट हम माइक्रोब की एक्टिविटी के थ्रू ऑप्टेन करते हैं। कर्ड डेयरी प्रोडक्ट है, दही यानी कि कर्ड। डाव फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि मान लीजिए भटूरे बनाने हैं या इडली बनाना है तो इसको डाव कहते हैं, डाव जिससे हम अलग अलग तरीके प्रिपरेशन बना सकते हैं। जैसे कि हमें ये देख लीजिए खमन बना हुआ है, ढोकला बना हुआ है, इडली है, ब्रेड है, कर्ड है, डोसा है, तो डाव यूज होता है इन सब में। कर्ड को छोड़ दें तो सब में डाव यूज होता है। इसके साथ साथ चीज, डाव का मतलब होता है किसी आटे को या इस तरह के किसी मैदे को गूंथ करके जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं, माइक्रोब्स डाले जाते हैं, और उन माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से फर्मेंटेशन जैसा प्रोसेस होता है और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमें बड़े यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। इतनी सी बात है, इसके बारे में आप जानते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल। अच्छा जी, इसके बाद हम कॉटेज चीज भी बनाते हैं, कॉटेज चीज यानी कि पनीर, स्विस चीज यानी कि जो फॉरेन में चीज सबसे पहले खाई जाती थी, स्विस चीज हो गई, रॉकफोर्ट चीज हो गई, अब हमारी कंट्री में भी अवेलेबल है। ये हमारे कल्चर का नहीं है, ध्यान दीजिए,
कॉटेज चीज यानी कि पनीर, ये तो चलिए हमारे कल्चर में काफी टाइम से यूटिलाइज होता है और पनीर को काफी महत्व दिया जाता है। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वेजिटेरियन फूड में पनीर का जरूर जिक्र होता है, राइट। लेकिन चीज भी बड़े अलग अलग तरीके की होती है। वैसे तो आजकल चीज हमारी कंट्री में भी काफी यूज किया जाता है, लेकिन एक जमाना था जब चीज को एज सच बहुत ज्यादा यूसेज नहीं थी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो स्विस चीज, रॉकफोर्ट चीज, कैमेम्बर्ट चीज, बहुत तरह की चीज है, उन चीजेस के बारे में भी जानते हैं। और चीज में एक अजीब सी स्मेल आती है, उस स्मेल की वजह से हर लोग चीज को नहीं खा सकते। पनीर तो ठीक है, पनीर में ऐसी कोई बदबूदार स्मेल नहीं है, लेकिन जो चीज होती है, चीज में एक अजीब टाइप की स्मेल होती है, उस स्मेल की वजह से बहुत से लोग चीज को नहीं पसंद करते। और चीज को बनाने का जो प्रोसेस है, वो सुनने के बाद आप में से कुछ बच्चे जो वेजिटेरियन है, हो सकता चीज को खाना भी ना पसंद करें, लेकिन ध्यान रहे चीज को बनाने के अब बहुत से तरीके आ गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टॉडी, टॉडी या ताड़ी कहते हैं इसको, ये एक तरह की ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जो पाम ट्री के फ्लोएम जूस से फर्मेंट करा के बनाई जाती है। पाम ट्री यानी कि ताड़ के वृक्ष, खजूर के वृक्ष, इन इस तरह के पेड़ों से, ये देख लीजिए फ्लोएम, यहां पर इसमें कट लगा दिया जाता है इसकी स्टेम में, तो जो फ्लोएम जूस है उसका, वो ऊज आउट करके इकट्ठा होता रहता है इस तरह के मटकों में, और इसमें फर्मेंटेशन होता है। तो जब सैप आता है, ताजा सैप होता है बच्चों, तब वो बड़े फायदेमंद होता है, वो बड़ा काम का होता है, डाइजेस्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती है तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फ्रेश जूस जो है उसमें अल्कोहल नहीं होता है जो कलेक्ट होता है, और जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, दिन के टाइम हो जाता है, तो इनमें फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तब इनमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होने लगता है, 6-8% तक अल्कोहल, 6% ही मैक्सिमम आप मान लीजिए, 8% तो काफी ज्यादा हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाए तो 8% हो सकता, नहीं तो 6% तक आपको देखने को मिल जाता है अल्कोहल इसमें। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। अब चलिए दही बनाने का प्रोसेस जान लेते हैं, कर्ड मेकिंग। कर्ड यानी कि दही किस तरह से बनाया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड यूजिंग लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जाना जाता है इस बैक्टीरिया को, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। तो दही बनाने का तरीका क्या है, वाटर एंड मिल्क, वाटर, दूध में तो पानी होता ही है, उसको गर्म करेंगे, 76.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इवेपोरेशन होता है, बॉइल नहीं करते हैं, हल्के टेम्परेचर में 76.6 डिग्री में गर्म करते रहते हैं, थोड़ी देर गर्म होते 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 उसमें से लिक्विड वाटर इवेपोरेट करता जाता है। जब कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आधे घंटे बॉइल करना है या आपको 20 मिनट बॉइल करना है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, लेकिन वाटर मिलाना जरूरी है। बिना वाटर के अगर प्योर मिल्क, बिना किसी पानी के अगर दही जमाया जाता है तो कई बार जमने में दिक्कत आती है, थोड़ा डाइल्यूट होना ही चाहिए। तो पानी मिला दिया गया 76.6 डिग्री पर, उसको जो है गर्म करेंगे, इवेपोरेशन होगा वाटर का, इसके बाद टेम्परेचर को लोअर कर लिया जाता है, टेम्परेचर घटा करके 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, यानी कि कम करते करते 50 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में टेम्परेचर को रख दिया जाता है। इतने टेम्परेचर में, इतने गर्म दूध में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल दिया जाता है, थोड़ा सा दही डाल दिया गया, इसको इनोकुलम बोलते हैं, इनोकुलेशन प्रोसेस। माइक्रोबियल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी इनोकुलम डाला जाता है, इनोकुलम बोलते हैं इसको, इस इनोकुलम को डाल दिया जाता है, इट इज एडेड इन टू द मिल्क, यानी कि एक तरीके से हम लैक्टोबैसिलस ही एड कर रहे हैं जो ऑलरेडी जमे हुए दही में है, प्रेजेंट है। फर्मेंटेशन प्रोसेस अब शुरू हो जाता है, इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड देन द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टोज शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये जो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कोआगुलेट नहीं होने देता है, यानी कि एंटी कोआगुलेंट जिनको कहते हैं, यानी कि जिनको इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं, प्रोटीन केजिन, उस केजिन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो लैक्टोज शुगर को तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता ही करता है, केजिन प्रोटीन को भी खत्म कर देता है, और यही वजह है कि दही में से मक्खन निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिल्क इज एन इमल्शन, मिल्क इज एन इमल्शन। व्हाट डज दिस मीन, मिल्क इज एन इमल्शन, आपने केमिस्ट्री में इमल्शन के बारे में पढ़ा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां पर दे देता हूं।
फाइल जूस भी इमल्सिफिकेशन का काम करता है। चलिए इमल्शन क्या होता है, एक शीशी इमेजिन करिए, एक एक बॉटल, उस बॉटल में हाफ बॉटल को पानी से फिल करिए, हाफ बॉटल आप वाटर से फिल करिए, और अपर हाफ में उसमें ऑयल डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, लिक्विड फैट डाल दीजिए। तो आधी बोतल में आपने पानी भरा और आधी बोतल में आपने तेल डाल दिया, तो ऑयल लाइटर देन वाटर होने की वजह से वाटर के लेवल के ऊपर फ्लोट करेगा, पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा, आपने उसको मिक्स करना है। अब आप क्या करेंगे, आप बॉटल को लेकर के शेकिंग करेंगे समवट लाइक दिस, ये बॉटल जैसे देख लीजिए, ये देख रहे हैं, इसमें पानी डाला गया, आधी बोतल में पानी डाल दिया गया, इसके ऊपर तेल डाल दिया गया, ऑयल डाल दिया गया, तो आधी बोतल में तेल है। अब इसको आप ढक्कन को बंद करें और इसको खूब अच्छे से चर्निंग करें, मैं ढक्कन थोड़ा बंद कर दूं नहीं तो पता लगा हाँ गिर गया तो काम गड़बड़ है, खूब अच्छे से चर्निंग करें, खूब अच्छे से चर्निंग करें। अब ये बोतल अगर ट्रांसपेरेंट होती तो और ज्यादा अच्छे से दिखाई देता, हालांकि ऑयल मैंने नहीं डाला, आपको इमेजिन करना है। इसको खूब अच्छे से चर्निंग करिए। अब जब आप चर्निंग करेंगे तो ऑयल पूरे में मिक्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, ऑयल ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रेस्ट पर रखा, अब क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट धीमे 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 ऊपर की लेयर में फिर आने शुरू हो जाते हैं। सो ऑयल ड्रॉपलेट विल कम स्लोली टू द अपर लेयर, ये ऊपर आ जाएंगे ऑयल ड्रॉपलेट, और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि पानी नीचे है और तेल ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये सेपरेशन हो रहा था, मिक्सिंग तो हो गई, चलो इसमें तो हमने मैकेनिकल मिक्सिंग करी, लेकिन अगर ऐसा कोई केमिकल जो जो ड्रॉपलेट ऑफ फैट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में ब्रेक कर दे, ऐसा कोई केमिकल हो, वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना दे, उस केमिकल को इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। यानी कि कुछ यूं हो गई बात कि जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन गए ऑयल के, अब वो एक साथ कोआगुलेट नहीं कर पा रहे ताकि वो सेपरेट ना हो पाए। यही मैकेनिज्म हमारे फूड के डाइजेशन में बाइल जूसेस करते हैं हमारे स्टमक में। बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। सेम मिल्क में भी इमल्शन होता है, मिल्क में इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं केजिन प्रोटीन, जिसका काम है मिल्क में पानी और मक्खन अलग ना होने पाए। आप देखिए दूध में मक्खन होता है लेकिन दूध में पानी भी मिला दीजिए और घुल जाता है बड़े आराम से। इसी की वजह से डेयरी इंडस्ट्री देख लीजिए, जो मिल्कमैन होते हैं, कई बार काफी सारे मिल्कमैन ये काम करते हैं कि पानी मिला के दूध दे जाते हैं आपके घर में, है ना, वो पानी मिल जाता आप पकड़ भी नहीं पाते। लेकिन दही में से मक्खन को निकालना बड़ा आसान है, हल्की सी चर्निंग करिए, मक्खन अलग हो गया। चलिए, तो मैंने काफी चीजें आपको बता दी, अब बात करते हैं चीज मेकिंग। चीज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, चीज का मतलब होता है इट इज पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क। पार्शियली डिग्रेडेड, फुल्ली डिग्रेडेड नहीं, फुल्ली डिग्रेडेड यानी कि दही बन गया तो वो पूरा डिग्रेड हो गया, माइक्रोब ने अपना खाना पानी भी तो वहीं से इकट्ठा करना है, तो वो फुल्ली डिग्रेडेड हो गया जब लैक्टोबैसिलस निकला। पार्शियली डिग्रेडेड यानी कि ताजा फटा दूध या थोड़ा बहुत इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई हो। पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केजिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये समझिए, स्विस चीज हैज लार्ज होल। स्विस चीज में सबसे बड़े बड़े होल्स होते हैं बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से चीज में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। एक बैक्टीरिया इस काम को करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, नाम याद रखिएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी स्विस चीज को बनाने के काम में आता है। स्विस चीज, जिसके बारे में स्विट्जरलैंड में बहुत सदियों से बनाया जाता है, इस स्विस चीज को बनाने के लिए जो माइक्रोब काम में आता है, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। ठीक है, नाम याद रहेगा, ये देख लीजिए प्रोसेस। तो इसको जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए छोड़ दिया जाता है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया शेरमानी डाल दिया गया। लैक्टोबैसिलस डालेंगे तो दही बन जाएगा, लैक्टोबैसिलस को डालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से मिल्क को कोआगुलेशन कराया जाता है, यानी कि जैसे दूध फट जाता है ना, इस तरह का एक प्रोसेस किया जाता है। और इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसकी जो रेसिपी है वो भी कई तरीके से बनती है, और इस तरह से देख लीजिए लेबल भी लगा दिए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चीज की बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसी वजह से इट इज अ होल फुल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, एक तरह की इंडस्ट्री है। अब आप समझ लीजिए, ये देख लीजिए चीज का जो फॉर्मेशन है
वो किस तरह से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। मिल्क इज अलाउड टू फॉर्म कर्ड, दूध को थोड़ा सा दही बनने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, जब दही बन गया यानी कि दूध जब जम गया, इनफैक्ट चीज बनाने में एक तो दूध को जमाने का प्रोसेस और दूसरा कई जगहों पर ऐसा किया जाता है, जैसे पनीर भी बनाते, दूध फट गया तो उसी से बना लिया जाता है। और दूध फटता कब है, जब इसके अंदर लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस हो जाती है और जब इसके अंदर केजिन की मात्रा कम हो जाती है तो दूध फट जाता है। तो मिल्क इज अलाउड टू फॉर्म कर्ड, दही बनने दिया जाता है। इसके बाद जब दही बन गया, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखा जाता, हल्का सा, जब दही की तरह हो गया, कोआगुलेट हो गया, देन द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम वे, उसमें से एक पानी निकलता है, उस दही को छान लिया जाता है। तो दही में जो कोआगुलेशन हो गया है, सॉलिड मास कोआगुलेट हो गया, उसको छान लिया गया, पानी को फेंक दिया गया, वे निकाल दिया गया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वॉटर कंटेंट चीज इज ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह की चीज बनती है, कितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर है इसके हिसाब से। अब ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम के लिए अगर उसको रखा जाए तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो जाता है, घटता रहता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जरा मेजर कर लेते हैं, मान लीजिए 50-80% वाटर है तो ये सॉफ्ट चीज है, इसको आप पनीर भी कह सकते हैं, ये पनीर भी कहा जाता है, कॉटेज चीज जिसको कहते हैं वो पनीर है। सॉफ्ट चीज यानी कि 50-80% पानी है तो ये सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। फिर आता है सेमी हार्ड चीज, जिसमें करीब 45% वाटर रहता है, यानी कि 50-80 काफी ज्यादा हुआ, 45% के करीब करीब अगर वाटर रहे तो सेमी हार्ड, इसका मतलब इसकी प्रोसेसिंग हुई है थोड़ी बहुत। और इसके बाद हार्ड चीज, जिसमें 40% से कम पानी रहे उसको हार्ड चीज कहते हैं, इसकी प्रोसेसिंग हुई है, एजिंग हुई है, कई महीने लगते हैं इसकी प्रोसेसिंग होने में। ऐसे ऐसे चीज हैं जिनको तो कई साल तक रखा जाता है, प्रिजर्व करके रख लिया गया, बना करके रख लिया गया, मोर देन अ ईयर इनको रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ चीज विद डिफरेंट टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट, अलग अलग तरह के चीज है, अलग अलग टाइप के फ्लेवर। ये देख लीजिए, बड़े होल वाली जो चीज है, दिस इज स्विस चीज। स्विस चीज में पोर्स काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, और जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये रॉकफोर्ट चीज, इसमें फंगस ग्रो कराया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इनमें थोड़ा सा स्मेल भी रहती है, क्योंकि यहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से स्मेल का होना तो लाजमी है। अब आप देख लीजिए, अलग अलग टाइप की चीज। चलिए थोड़े से और अलग टाइप के बारे में हम जानते हैं। नाउ कर्डलिंग कैसे करते हैं, कर्डलिंग का जो प्रोसेस है, दही बनाने का जो प्रोसेस है, वो तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से ही कर लिया जाएगा, है ना। दिस इज वन ऑफ द मेथड कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कोआगुलेशन कराया गया, इसके बाद एंजाइम रेनिन डाल दिया गया, जो कि केजिन कोआगुलेज है, काइमोजिन है, कई नामों से जाना जाता है, केजिन कोआगुलेज एंड काइमोजिन। ये रेनिन जो है बच्चों, छोटे बच्चों के स्टमक में ये प्रोड्यूस होता है आफ्टर द बर्थ, लेकिन एडल्ट ह्यूमन में रेनिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता। तो इस रेनिन को कलेक्ट करना होता है, इस रेनिन से राइपनिंग होती है। अब ये रेनिन लाते कहां से है, ये रेनिन आता कहां से है, तो इस रेनिन का जो सोर्स है बच्चों, पुराने टाइम पे बछड़ों के स्टमक में रेनिन पाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि बछड़ा यानी कि यंग काफ, गाय का बछड़ा, उसके स्टमक में रेनिन होता है। तो जब फॉरेन कंट्रीज में जानवरों को मार दिया जाता था, मारने के बाद उनका स्टमक निकाल लिया जाता, उसी स्टमक के अंदर इसको जो है डाल दिया जाता था, ये देख लीजिए, तो रेनेट के नाम से जाना जाता है, काफ स्टमक में पाया जाने वाला रेनिन, उसको रेनेट के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू कर्डलिंग कराई गई, उसके बाद रेनेट डाल दिया गया, और रेनेट कहां मिलेगा, उसी कर्डल्ड चीज, वो मास को लेकर के जो कोआगुलेटेड मास है, इस तरह से देख लीजिए, ये इंटेस्टाइन है, ये चमड़े का इंटेस्टाइन है, बछड़े की इंटेस्टाइन है, इसके बीच में रख दिया जाता है। इस तरह से चीज की राइपनिंग कराई जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है प्रोसेस है, काफी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और रेनिन, अब केजिन कोआगुलेज, काइमोजिन, इन एंजाइम्स को मार्केट में अब तो अवेलेबल है कई तरीके से, उनसे यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कर्डल करा लीजिए और पनीर फ्लावर का एक्सट्रैक्ट उसमें आप डाल दीजिए, फ्रूट एक्सट्रैक्ट ऑफ विथानिया कोआगुलेंस। विथानिया कोआगुलेंस एक पौधा है,
जिससे चीज के बनाने के, इसको पनीर बनाने, पनीर भी तो एक तरह का चीज ही है, कॉटेज चीज जिसको कहते हैं, तो पनीर भी एक तरह का चीज ही है। तो पनीर फूल के नाम से ये जाना जाता है, इसके फ्लावर को पनीर बनाने के काम में लिया जाता है। विथानिया कोआगुलेंस, ये देख लीजिए, ये छोटे छोटे फ्रूट हैं, ये जो इसके फ्रूट सूख गए, इन्हीं फ्रूट को लेकर के डाल दिया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड बनाया, उसके बाद विथानिया कोआगुलेंस का एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया, इससे चीज बन जाती है। नाउ कर्ड इज हीटेड जेंटली, दही को हल्का सा गर्म करते हैं, हीटेड जेंटली टू सेपरेट चीज फ्रॉम द व्हे, उसमें से चीज निकल आता है। लिक्विड इज ड्रेन्ड बाय सीविंग इट थ्रू अ क्लॉथ, कपड़े से छान करके पानी को निकाल दिया जाता है। अनराइपेंड, जिसको राइपनिंग नहीं करी जाती, सिर्फ कर्ड को निकाल लिया गया, पानी से छान करके निकाल लिया गया, सारा लिक्विड प्रेस करके निकाल दिया और उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया गया, जिसको एजेड नहीं किया गया, वो है कॉटेज चीज यानी कि पनीर। इट इज प्रिपेयर्ड बाई सिंपली ड्रेनिंग द वे, ये तो कुछ भी नहीं है, दूध को फाड़ा, पनीर फूल डाला, इसके डालने से दूध में फट जाता है दूध। लैक्टोबैसिलस भी डालने की आवश्यकता नहीं, उसी कोआगुलेटेड मास को अगर हम छान लें तो भी पनीर बन जाता है, या दही को भी अगर हम छान लें तो भी पनीर, लेकिन ध्यान रहे दही को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो खट्टापन आ जाता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट एजेड, एजेड का मतलब क्या हुआ, किसी और माइक्रोब की एक्टिविटी नहीं कराई जाती। तो कई प्रोसेसेस आपने देखे कि पनीर को बनाने के प्रोसेसेस या चीज को बनाने के प्रोसेसेस कई हैं। राइपेंड चीजेस इज प्रिपेयर्ड, अब राइपनिंग कैसे करी जाती है, राइपेंड चीज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनराइपेंड चीज, जो अनराइपेंड चीज है उसको सबसे पहले ब्राइन वाटर में डिप किया जाता है, फिर उसको वाइपिंग होती है, उसको पोछा जाता है, और फिर उसके बाद मैचुरेशन किया जाता है। ब्राइन वाटर में डिप करने से फायदा यह होता है कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ रहता है, कुछ और माइक्रोब वगैरह रहते हैं, वो सारे साफ हो जाते हैं, एकदम उसको वाइप करके क्लीन कर लिया जाता है, और फिर इसके बाद बैक्टीरिया या फंजाई के हवाले कर दिया जाता है कि अब आप इसमें राइपनिंग का प्रोसेस करें। ये देख लीजिए फैक्ट्री यूनिट में किस तरह से वाटर को सीव कर लिया गया, वाटर को सीव करने के बाद ब्राइन में डिप करके वाइप करके अब इसको मैचुरेशन के लिए भेजा जा रहा है। 1 से लेकर 16 महीने तक का मैचुरेशन टाइम है, इसमें जरूरत लगती है माइक्रोब्स की, 1 से लेकर 16 महीने मिनिमम मैचुरेशन टाइम, डिपेंड करता है कि कैसी टाइप की चीज आप बना रहे हैं। तो जो मैक्सिमम राइपेंड होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। स्विस चीज इज राइपेंड विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी के थ्रू इसको राइपनिंग करते हैं। रॉकफोर्ट चीज की राइपनिंग पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के थ्रू करते हैं। कैमेम्बर्ट चीज के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी यूज किए जाते हैं, ये फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम याद है आपको, फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो ये फंजाई है। रॉकफोर्ट चीज को राइपन करने के लिए फंगस की आवश्यकता होती है, कैमेम्बर्ट चीज के लिए भी फंगस की आवश्यकता होती है। और फाइनली देख लीजिए किस तरह का मैकेनिज्म, ये तो आपने देखा ही है, इस तरह से लेबल लगा दिए जाते हैं, टैगिंग कर दी जाती है, बन गया जी, ये देख लीजिए हमारा चीज, इसकी राइपनिंग हो गई, टैगिंग हो गई, ये देख लीजिए इनको जो है इस तरह से एजिंग के लिए रख दिया जाता है, फिट करके पूरी की पूरी फैक्ट्री यूनिट बना दी गई है जहां पर चीज को रख दिया गया इकट्ठा करके। देख लीजिए दूध में लैक्टोबैसिलस डाल करके थोड़ा सा फेटा जा रहा है, और जैसे ही कर्डलिंग हुई उसको तुरंत के तुरंत छान लिया जाता है, और फिर उसके बाद वाटर निकाल दिया जाता है, और फिर राइपनिंग के लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है। दिस इज द राइपनिंग प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, देख लीजिए, और फिर इनको स्टैक कर दिया जाता है। अब ये रखे रहेंगे, ये कई जगह तो मतलब इनको 1.5-2 साल, 3 साल, 10-10 साल तक भी रखा जाता है, जैसे वाइन की एजिंग होती है इसी तरह से एजिंग प्रोसेस चीज का भी किया जाता है, जितनी ज्यादा एजेड होगी उतनी ज्यादा अच्छा फ्लेवर माना जाता। अब डाओ की बात कर लेते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्मेंटेड फूड, जैसे कि डोसा या इडली, बैक्टीरिया इनको करता है, ठीक है। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डाओ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डाओ विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, कौन बनाता है, बेकर्स ईस्ट सैकरोमाइसेस सेरीवाइसे, ब्रेड के लिए सैकरोमाइसेस सेरीवाइसे यानी कि बेकर्स ईस्ट को यूटिलाइज किया जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है। और डोसा, उपमा और इडली के लिए दो तरह के स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकॉकस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। 3 से 12 घंटे तक इसको फर्मेंट करके रखा जाता है,
ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकॉकस, ये एयर में ऑलरेडी होते हैं, इनमें भी अगर इनोकुलम डाल दिया जाए तो वहां पर एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये डाउ मेकिंग प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसको यूटिलाइज किया जाता है। समझ में आई बात? नाउ टॉडी के बारे में बता देते हैं। ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक, वैसे हमारे ईस्ट इंडिया में भी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी यूज किया जाता है इसको। 6% तक अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो फ्लोएम सैप है उसको फर्मेंट हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता रहता है और फर्मेंटेशन होता रहता है, तो इस तरह का एक लीकर प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रिंक है, इसको टॉडी के नाम से जाना जाता है। स्मेल आती है बड़ी सारी, बड़ी भयंकर बदबू होती है, राइट? तो आई एम बीइंग अ नॉन अल्कोहलिक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने इनके क्लियर सैप को जरूर ट्राई किया, वो बड़ा टेस्टी होता है। क्लियर सैप यानी कि जो फर्मेंटेड नहीं हुआ, कलेक्ट हुआ है लेकिन फर्मेंटेड नहीं हुआ है, ये क्लियर सैप बड़े काम का होता है। इससे जो है इसमें काफी शुगर मिल जाती है, तरोताजा करने वाला होता है, बहुत से मिनरल्स भी होते हैं इस सैप में। ठीक है, नाउ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बारी है कल के सेशन में हमारे, हम सारे के सारे माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कल के सेशन में। अब बारी है हमारी क्विज की, जो क्विज हमने करना है, मैंने आपको पहले ही बताया आज जेनेटिक्स पूरे के पूरे यूनिट के ऊपर क्विज करेंगे। ठीक है, तबिश, तेजस्वी, अमन, यादव, शिवांशु, विजय, ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस क्विज? तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं, क्विज को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन द क्विज? तो सबसे पहला काम आपने करना क्या होता है कि यू गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा नीट यूजी प्लस का, ऑप्शन आएगा प्लस के ऑप्शन के बाद ये देख लीजिए, ये टेस्ट का बटन नीचे दिखाई देगा। इस टेस्ट के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आ जाएगा। ज्वाइन क्विज के ऑप्शन में जब जाएंगे तो एक 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा, जो कोड मैं आपके सामने ही अभी बनाने वाला हूं, कोड को क्रिएट करने वाला हूं। तो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर एक्साइटेड। तो चलिए मैं कोड आपके साथ शेयर करता हूं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन यूनिट होगा जेनेटिक्स। लेट मी सी, जेनेटिक्स यूनिट तीनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपकी तैयारी कितनी है ये देखना भी आवश्यक है मुझे, है ना? तो लेट मी गो, ये रहा बायोलॉजी एंड देन वी आर गोइंग टू जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तीन चैप्टर्स हैं एंड द टाइटल ऑफ द क्विज इज जेनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर डालता हूं 10 questions और टाइमर आपको दे देता हूं 40 सेकेंड का, क्योंकि रीड करने का भी भाई टाइम चाहिए, सीधी सी बात है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस क्विज फॉर यू। ठीक है, ये रहा क्विज आपके समक्ष है। अब मैं यहां पर क्रिएट क्विज पर जैसे ही क्लिक करूंगा कोड आ जाएगा, आप उसी कोड से जुड़ जाएं, उसी कोड के सहायता से आप जुड़ जाइए। ये कोड आपने देख लिया, अब ये कोड आ चुका है, इस कोड को यूज करना है आपने, 802626। जैसे ही सम गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जुड़ जाते हैं मैं शुरू कर दूंगा क्विज आपके साथ। ठीक है, फटाफट जुड़े 802626, 802626, 802626। ठीक है, इस कोड के साथ जुड़े 802626, 802626। ये तो बाद में बताऊंगा अपने क्लासेस का स्केड्यूल, सबसे पहले तो यूज करें कोड 802626। इस कोड को जैसे ही आप यूज करते हैं आप क्विज के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़ जाते हैं तो मैं यहाँ क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। सो वी हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन, 20 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। बच्चों फटाफट करिए 802626, इस कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल को ही मैप कर रखा है, ये देख लीजिए मेरे मोबाइल में जो दिख रहा है वही आपको भी वहां पर स्क्रीन में दिख रहा है। जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लें। नीट यूजी प्लस दोनों ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नीट यूजी और प्लस को सिलेक्ट करेंगे तो आप जुड़ जाते हैं सेशन के साथ। फिर नीचे टेस्ट का टैब होगा, टेस्ट को क्लिक करिए। टेस्ट टैब को क्लिक करने के बाद एंटर कोड यानी कि ज्वाइन क्विज एंटर कोड। जैसे ही आपने ज्वाइन क्विज पर क्लिक किया
आपसे कोड मांगा जाएगा, कोड आप डाल दीजिए 802626। इस कोड को डालते ही आप जुड़ जाते हैं, आप जुड़ जाते हैं क्विज के साथ। 70 बच्चे जुड़ चुके हैं, 100 बच्चे जैसे ही जुड़ते हैं मैं क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे काफी सारे हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया है क्विज को, जरूर इस फीचर को देखें, ये बड़े काम का फीचर है, आपके फायदे का है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत के तुरंत आप कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद नीट यूजी प्लस पर क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करने के बाद ज्वाइन क्विज, टेस्ट का बटन आएगा, टेस्ट बटन के बाद ज्वाइन क्विज पर क्लिक करिए और ये आ जाएगी स्क्रीन आपके समक्ष। कोड मांगा जाएगा, कोड डालिए 802626, जैसे ही कोड को एंटर करेंगे आप क्विज का हिस्सा बन जाते हैं। सो यू ज्वाइन इमीडिएटली विद द क्विज। 83 बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट बहुत तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए। जैसे ही मैंने कहा कि 100 बच्चे हो जाते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगा क्विज, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद द काउंटडाउन, देखते हैं हमारा काउंटडाउन पहले कंप्लीट होता है या 100 बच्चे पहले जुड़ते हैं। जो भी अर्ली होगा स्टार्ट कर दिया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई मेरी काउंटडाउन तो कंप्लीट हो गई, 100 बच्चों में अभी थोड़े से बच्चे रह गए हैं, 7-8 बच्चे रह गए हैं। जैसे ही ये बच्चे जुड़ जाते हैं मैं क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। YouTube पर जितने बच्चे देख रहे हैं तुरंत के तुरंत अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, नीट यूजी प्लस पर क्लिक करिए, टेस्ट बटन को टैप करिए, ज्वाइन क्विज, क्विज में कोड डालिए 802626, यानी कि 802626। जैसे ही इस कोड को आप डालते हैं आप जुड़ जाते हैं क्विज के साथ। चलिए बच्चों वक्त हो गया कि अब मैं इसको स्टार्ट कर दूं। 97 स्टूडेंट हैव जॉइंड, 3 बच्चे और मैं स्टार्ट कर देता हूं। भाई देखिए सीधी सी बात है, जब गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तभी आपको कॉम्पीट करने में भी कुछ फायदा है। 100 जॉइंस, चलिए स्टार्ट क्विज, 101 हो गए, कर दिया मैंने क्लिक। ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे YouTube पर हैं आप भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी छोटा रहता है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन BHU में आ चुका है, BHU का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोजोइक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, जो बच्चे अपने मोबाइल पर कर रहे हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है, जो YouTube पर देख रहे हैं उसमें बड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा। तो तभी मैं कहता हूं कि जितने बच्चे YouTube पर हैं उन सभी बच्चों को तुरंत क्विज में ज्वाइन कर लेना चाहिए। 40 सेकंड का मैंने टाइमर दिया हुआ है, तो लेट मी सी कितने बच्चों ने करेक्ट किया और कौन कौन से बच्चों के नाम आए लीडर बोर्ड में आज के पहले प्रश्न के साथ। तो ये रहा, बच्चे जो है बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, और ये रहा लीडर बोर्ड। शैली चौधरी, आदर्श, गजेंद्र 1, 2, 3, अमित, ऋषु, ऋषिक, सात्विका, निकुल, साक्षी, प्रथमेश, ये बच्चे हैं हमारे टॉप 10 स्टूडेंट। आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। ए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ गैमेट इज कॉल्ड, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन अ गैमेट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसके बारे में हमने चर्चा करी है। What is it called? देखिए, analyze करिए, realize करिए और फटाफट answer कर दीजिए। Very good. Haploid set of all the gene present in a gamete is called. एक गैमीट में जो haploid set of genes हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? Options आपके समक्ष हैं: genotype, phenotype, genome और linkage group. ठीक है, genotype, phenotype, genome और linkage group. तो genome क्या होता है? यही तो होता है haploid set, that is genome. गजेंद्र, ऋषु, स्वास्तिका, ये बच्चे 1, 2, 3 हैं, then और भी बच्चे दिख रहे हैं इस वक्त। Now assertion reason का प्रश्न, आप क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें और रीड करें। इनफैक्ट जो बच्चे इस क्विज का पार्ट है वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे, वो अपना कॉन्सेंट्रेटेड वे में आंसर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और जो बच्चे YouTube पर हैं इस वक्त वो जरूर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा, मैं हर सेशन के बाद 10 क्वेश्चन तो कराता ही कराता हूं किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग पहले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके रखें। जो बच्चे आज नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, अगले सेशन में कल भी माइक्रोब्स के चैप्टर के ऊपर इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ माइक्रोब्स हम पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे। आज तो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखे, ठीक है।
तो आप लोग पहले से इसको इंस्टॉल करके रखिए और आपको जैसे ही मैं कोड दूंगा तुरंत कोड ऐड कर लेना होगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि कैसे करें इसको, कैसे करें। डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ सी टी जी ए टी ए जी सी इज ट्रांसक्राइब्ड ओवर एमआरएनए एस, इस तरह से एमआरएनए के ऊपर ये ट्रांसक्राइब होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करी जा रही है, कोडिंग स्ट्रैंड की बात नहीं करी जा रही। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये आप जानते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में बनता जरूर है मैसेंजर आरएनए, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड की ही कोडिंग होती है, यानी कि इसके विपरीत होगी कोडिंग। लेकिन थाइमिन या यूरासिल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक में डीएनए में होता है एक और हमारे आरएनए में होता है दूसरा। ठीक है, वेरी गुड, 50% बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं। ऋषु, स्वास्तिका एंड गजेंद्र, ये तीन बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शैली, साक्षी, काजल, गोल्डी, ऋषिक, समीक्षा एंड नेहा, नेहा अग्रवाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल वॉज प्रोपोज्ड बाय, किसने प्रोपोज किया था लैक ओपेरॉन मॉडल? सबसे पहला ओपेरॉन मॉडल, यानी कि जीन रेगुलेशन किस तरह से होता है, ये मॉडल किसने प्रोपोज किया था? लैक ओपेरॉन मॉडल वॉज प्रोपोज्ड बाय जैकॉब एंड मोनाट, जैकॉब एंड वॉकमैन, जैकॉब एंड निरेनबर्ग, जैकॉब एंड विल्किंस। लेट मी सी हु कैन आंसर इट करेक्टली। बहुत ही बढ़िया, लैक ओपेरॉन मॉडल वॉज प्रोपोज्ड बाय, टाइमर कुछ ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड ठीक है, लेकिन छोटे क्वेश्चन के लिए टाइमर कई बार ज्यादा हो जाता है। वेरी गुड, जैकॉब एंड मोनाट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर। ऋषु, स्वास्तिका एंड गजेंद्र, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ। शैली, काजल, ऋषिक, अनन्या, शिवम, मानसी, नवनीत, ये बच्चे हमारे रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अर्लीएस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इज, कौन सा सबसे पुराना अर्लीएस्ट फॉसिल फॉर्म है हॉर्स की फाइलोजेनी को एस्टैब्लिश करने में, कौन सा फॉसिल फॉर्म सबसे पहले यूज किया गया था? देखिए फॉर्म को और फटाफट आंसर करिए। मेरीचिपस, मिसोहिप्पस, इओहिप्पस, इक्वस। इनफैक्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सीरीज जो मैंने आपको करी है, मैंने आपको मॉडर्न हॉर्स के साइंटिफिक नेम के बारे में भी बताया हुआ है। इनफैक्ट जीब्रा के साइंटिफिक नेम के बारे में भी बताया हुआ, अगर याद हो आपको। इक्वस, इक्वस कैबेलस मॉडर्न हॉर्स, इक्वस क्वेगा जीब्रा। स्वास्तिका, गजेंद्र एंड शैली, काजल, ऋषु, नवनीत, मानसी, अनुष्का, दीप्ति एंड आदर्श, ये बच्चे हमारे दिख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडॉन इज अ चेन टर्मिनेशन कोडॉन, इनमें से कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन है? यूजीयू, एएयू, यूयूजी या यूएजी? मैंने आपको एम्बर, ओपल और ऑकर भी बताए हुए हैं, एम्बर, ओपल और ऑकर, तो ये कौन सा वाला है, एम्बर है या ओपल है या ऑकर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको इसको हमेशा याद रखना है, टर्मिनेशन कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन, जो मिथियोनिन होता है AUG, इनिशिएशन कोडॉन, UAG यानी कि एम्बर। गजेंद्र, स्वास्तिका, शैली, मानसी, दीप्ति, शोएब, प्रथमेश, काजल, आदर्श एंड ऋषि, इन बच्चों ने बड़ा सही किया, बहुत बढ़िया। द कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड ऑफ अ डाउन सिंड्रोम विल बी, डाउन सिंड्रोम वाले मेल चाइल्ड का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पूछा जा रहा है। डिजीज कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है। ध्यान दीजिए, डिजीज का नाम तो आप अब आपको रिलेट करना पड़ेगा कि वाकई में ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है भी या नहीं। मेल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd क्रोमोसोम है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, कैसा दिखेगा? फटाफट आंसर करें। दैट्स वेरी नाइस, क्या बात है, वंडरफुल। वो तो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर ही नहीं है तो क्यों चेंज होगा, उसमें तो सेम ही रहेगा, है ना, समझ में आ रही बात। गजेंद्र, स्वास्तिका एंड दीप्ति, ऋषिक, शिवम, ऋषु, गजेंद्र और स्वास्तिका बने हुए हैं फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन एक नाम जरूर चेंज हुआ है। ठीक है,
एपिकैंथस इज अ सिम्टम ऑफ, एपिकैंथस इनमें से किसका सिम्टम है, हैप्लॉइडी, हेटरोप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। अब बच्चों देखिए, ये जो डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें 40 सेकंड का जो टाइमर है काफी ज्यादा है ना, इनमें तो 20 सेकंड का टाइमर आपको रीड करते ही आंसर पता चल जाता है। इनफैक्ट प्रैक्टिस भी ऐसी ही करनी है, तो जब आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो मैं 20 सेकंड का ही टाइमर रखा करूंगा, इतना ज्यादा टाइमर रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो शिवम, गजेंद्र एंड स्वास्तिका 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। ऋषु, दीप्ति, शैली, आशुतोष, प्रथमेश, ऋषिक एंड रितिक। ठीक है बच्चों, अब आज का आखिरी क्वेश्चन, मैन्स प्लेस इन नेचर वॉज रिटन बाय, किसने लिखा मैन्स प्लेस इन नेचर, इंसान की नेचर में कहां पर जो है उसकी व्यवस्था है, हक्सली, डार्विन, डॉसन या डार्ट, इनमें से किसने इस चीज के, इस थीम के ऊपर पुस्तक लिखी, मैन्स प्लेस इन नेचर किसने लिखा। देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बच्चों देखिए थ्योरी में भी नहीं बताया जा सकता, ये तो छोटे छोटे जनरल नॉलेज टाइप के भी क्वेश्चन माने जाते हैं और इनको आपको करते हुए ही याद रखना है। जब आपने किया आपको पता चला, उसके बाद अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच भी बहुत आवश्यक है। वेरी गुड, 47% बच्चों को नाम पता है, दैट इज ऑसम। ऋषु, शैली, प्रथमेश, गजेंद्र, आपने आखिरी प्रश्न में गड़बड़ी कर दी और इसी वजह से रैंक थोड़ी सी चेंज हो गई। ऋषु वेल डन, शैली, प्रथमेश, ये तीन बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया। आशुतोष, शिवम, ऋषिक, गजेंद्र, स्वास्तिका, दीप्ति, काजल, आदर्श, स्वास्तिका आप भी अच्छा कर रहे थे, खैर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 131 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, वेल डन बच्चों। चलिए बात करते हैं अपने सेशंस का, जो यूट्यूब सेशंस हैं, तो ये रहे दीपक सर के क्लासेस का स्केड्यूल। इसके बाद मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th की बारी होती है, और क्लास 11th में जो मेरा टाइम टेबल है वो 7 बजे शाम को, जैसे कि आज तो थर्सडे है, मंडे टू वेडनेसडे 11th, थर्सडे टू सैटरडे 12th की बारी होती है। बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए बड़ा सिंपल है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, livedaily.me/neet, इस फीचर के थ्रू बच्चों आप सारी की सारी लिस्ट, प्लेलिस्ट जो है हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर की, उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बड़ा काम का है। Unacademy subscription, country का best learning platform, मिलती है structured live classes, you can interact with us, live poll leaderboard, test series analysis और live doubt clearing session जैसे बेहतरीन feature यहाँ पर आपको मिलते हैं। हमारे year long batch courses already running है, तो इन courses के साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और उम्दा करें। ठीक है, नाम हो प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों ने जुड़ना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, देरी ना करें, प्राइस बढ़ने वाले, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका। करना क्या है इसके लिए, बड़ा सिंपल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 9, 10, 11 के बच्चे 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ ही जुड़े। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एट द प्राइस ऑफ जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत आवश्यक है, बेल आइकन को भी हिट करिए, #neetlivedaily के थ्रू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एंड Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9, 10th and 11th, 12th, all are our sister channels, so together let's crack it. For joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live, you will get a 10% discount aur meri guidance mein aapko apni manzil ka safar tay karne ka mauka milega. So bachon, that's all.